नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टॉप 5 न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। तो चलिए नजर डालते हैं दिल्ली की 5 प्रमुख खबरों पर। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक शख्स ने घरेलू कलह की वजह से अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान ललिता गोयल के रूप में हुई है। हत्या के बाद आरोपी राजेश गोयल ने थाने में पहुंचकर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने घर से शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई है। नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में पिछले 2 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को 2 वार्ताकार प्रदर्शनकारियों से बात करने गए, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को सुना, प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझाया और सुनाया और जगह बदलने की अपील की। बता दें कि आज एक बार फिर ये वार्ता जारी रहेगी और प्रदर्शनकारियों से संवाद किया जाएगा। जामिया हिंसा मामले में एक के बाद एक कई वीडियो सामने आ रही हैं। एक वेबसाइट के अनुसार इंडिया टुडे के हाथ सभी 28 वीडियो लगे हैं जो उस रात की कहानी बता रहे हैं। ये वीडियो जामिया यूनिवर्सिटी परिसर और लाइब्रेरी के हैं। इससे पहले 6 वीडियो सामने आए थे जिसके जरिए पुलिस और स्टूडेंट्स ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए थे। भारत आ रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, जिनके स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों पर है। 25 फरवरी को मेलानिया ट्रंप दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में जाएंगी। वहां केजरीवाल सरकार की हैप्पीनेस क्लास को वो देख पाएंगी। मेलानिया ट्रंप का स्वागत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करने वाले हैं। निर्भया केस में फांसी से बचने के लिए निर्भया के गुनहगार कई हथकंडे अपना रहे हैं। अब दोषी विनय शर्मा ने एक दांव चला है। उसके वकील एपी सिंह ने चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में कहा गया है कि जब दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 29 फरवरी को राष्ट्रपति के पास विनय की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी तो वो ना तो मंत्री थे और ना ही विधायक। दिल्ली के ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।